अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्त, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे कि न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 6वीं से लेकर 12वीं तक के 70,000 से अधिक पदों पर होगी शिक्षक बहाली। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। देख सकते हैं सौगात मिली है, दूसरे चरण में 70,000 शिक्षकों की बहाली होगी। विकास मित्र, शिक्षक सेवक और सैफ जवानों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बड़ी अपडेट आ रही है। 11,000 से अधिक तक की वृद्धि अनुबंध कर्मियों के मानदेय में की गई है। इस समय के दोस्तों ये बड़ी अपडेट है। बिहार सरकार, देख सकते हैं गजब के, मतलब हो रहा ना, एक तरफ बड़ी बड़ी वैकेंसी आ रही है और सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है, और दोस्तों एक तरफ यूपी सरकार शिक्षा मित्रों की सैलरी नहीं बढ़ा रही। ठीक है, उनके भी दोस्तों मांगे कि हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। देख सकते हैं टीचर बहाली परीक्षा के बाद सक्रिय हुए साइबर अपराधी। जी हाँ दोस्त, इस वीडियो में देखेंगे अतुल सर का क्या ट्वीट चल रहा है। जी हाँ दोस्त, उनका लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से क्या अपडेट है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से क्या अपडेट है। जी हाँ, देख सकते हैं अतुल सर का जो लेटेस्ट अभी ट्वीट सामने आया है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। आंसर की का तो पता नहीं, फिर अभ्यर्थी ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे, जल्दबाजी में अभ्यर्थियों का और कितना बड़ा गर्व करोगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग बातें आपके सामने आ रही हैं। बीएड योग्यताधारी 22-23 सितंबर को एनसीटी दिल्ली के सामने करेंगे बीएड महापंचायत। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं बीएड के छात्र लगातार सक्रिय हैं, ठीक है, ताकि उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिल सके, और उसके बाद हमारी फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, मिनिमम फाइनल कट ऑफ। ठीक है, सारी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं अतुल सर का लेटेस्ट पोस्ट। यहाँ पर दोस्तों देखें, यहाँ पर देख सकते हैं अतुल प्रसाद सर, ठीक है, तो लास्ट में उन्होंने जो ट्वीट किया है, पेइंग ब्रोकर्स फॉर अ टीचर पोस्ट, मतलब अगर आप दलालों को पैसा दे रहे हैं टीचर के लिए, तो दोस्त ये टीआरई इज लाइकली बाइंग लैंड ऑन द मून, मतलब एक तरह से दोस्तों चांद पर जमीन खरीद ले जैसा होगा। ठीक है ना, तो इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि कोई नया ट्वीट तो नहीं आ गया है। जी हाँ, तो अब आपके सामने लाइव रहेगा, तो देख सकते हैं आप, ये दोस्त लास्ट ट्वीट है और ठीक ठाक है। उसके बाद दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं सुपर टेट को लेकर के अपडेट है। उसके बाद देखिए बीपीएससी टीआरई ओएमआर सीट में सुधार करना क्या सही है। 87% छात्रों का कहना है कि भैया ये एकदम गलत है, ठीक है, मेजॉरिटी छात्र दोस्त ये कहते हैं कि ये गलत है, मतलब गलत। ठीक है, तो अब दोस्त एक बात यहाँ पर समझनी है, एक तरफ बीएड के छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको, ठीक है, पेपर वन में मौका मिले, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिले, और एक बात और आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 1-5 के लिए इस बार वैकेंसी आएगी नहीं। अब जो वैकेंसी थी वो आ चुकी है, बीएड के अभ्यर्थी, डीएलएड के अभ्यर्थी, सभी बच्चों ने पेपर दे दिया। अब वैकेंसी आएगी 6 से लेकर 8 तक के लिए, उसमें डीएलएड और बीएड, ठीक है, दोनों बच्चों को मौका मिलेगा, ठीक है, जिन बच्चों ने ये दोनों कोर्स कर रखा है। तो जरा इस अपडेट को पहले देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास भी कॉल आ सकती है। पटना से अपडेट है, देश भर में साइबर अपराधियों का तांडव बढ़ता ही जा रहा है। साइबर अपराधी लगातार नई नई तरकीब निकाल कर लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला बिहार में हाल ही में आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षा से जुड़ा हुआ सामने आया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में देश भर में सबसे बड़ी शिक्षक बहाली परीक्षा आयोजित करवाई गई। परीक्षा के आयोजन के बाद अब अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ बिहार सरकार की तरफ से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट की परीक्षा ली जा रही है। अब इसी परीक्षा के परिणाम को लेकर साइबर अपराधी सक्रिय हो गए हैं। अपराधियों द्वारा परीक्षार्थियों को फोन कर उन्हें नौकरी देने के नाम पर या फिर उन्हें परीक्षा पास करवाने के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों से कहा जा रहा है कि आप इतने पैसे दे दें, आपको नौकरी दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार बीपीएससी परीक्षा शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को कुछ लोग कॉल कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हम फलाना विभाग से बोल रहे हैं, यदि आपको नौकरी चाहिए तो कितने पैसे लेकर यहाँ आ जाए, आपको नौकरी मिल जाएगी। इधर दोस्तों पूरे मामले को लेकर आर्थिक, ठीक है, अपराध इकाई के पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार ने प्रेस वार्ता कर बड़ी सलाह लोगों को दी है। उन्होंने कहा कि टीचर वाली परीक्षा के बाद कई आपराधिक गिरोह सक्रिय हो गए हैं,
जो अभ्यर्थियों को फोन कर पैसों की मांग कर रहे हैं। एक बात ये समझ लीजिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इनको कैंडिडेट्स के, जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी तैयारी कैंडिडेट्स के इनको नंबर कैसे मिले, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, जी हाँ दोस्तों, डाटा क्या लीक हो गया है, किस हिसाब से इनको नंबर मिले हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी बच्चों को फोन कर दिया जाए कि भैया आपने पेपर दिया है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, अभ्यर्थी इस तरह के झांसे में ना आए, इस तरह का कोई फोन कॉल आता है तो तुरंत इसकी शिकायत दर्ज कराएं। बताते चले कि बिहार लोकसभा आयोग की तरफ से देश भर में 1,70,000 पदों पर शिक्षक बहाली परीक्षा आयोजित करवाई गई। इस परीक्षा में कई हिस्सों से आए अभ्यर्थी शामिल हुए और अब ठीक है, परीक्षा समाप्त होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर अपने कार्य में लगे हुए हैं। इस तरह का फोन कॉल कर तो डिमांड की जा रही है। इसके बाद अब पूरे मामले को लेकर आर्थिक अपराध विभाग ने एक्शन ले लिया। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई कॉल आती है तो सतर्क रहिएगा, ठीक है। नहीं तो आपको लगेगा भैया कोई 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000 में हमारी सरकारी नौकरी लगवाने वाला है, तो डेफिनेटली 90% आप सोचेंगे चलो पैसा दे दिया जाए। देखिए होता है क्या, ये आपका डाटा लीक करा देते हैं, जिसके बाद आपको लगता है कि ये जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना। प्रूफ करने के लिए दोस्त आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माता जी का नाम, जो भी फॉर्म में डिटेल्स हम भरते हैं इनके पास वो आ जाती है। उसके बाद दोस्त ये जो भी आपको बताएंगे लगेगा हाँ इनके पास सारी डिटेल्स हैं और ये एकदम सही बता रहे हैं। शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को धरना, जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं लखनऊ से अपडेट है, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों को धरना मंगलवार भी जारी रहा। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी 43 दिनों से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की हालत है, जहां पर अभी 69,000 शिक्षक भर्ती, जी हाँ दोस्तों, जो लास्ट वैकेंसी के बारे में हम रोज आपके सामने जिक्र करते हैं ये वैकेंसी, ठीक है। अभी ये वैकेंसी भी दोस्त यहाँ पर यूपी में कंप्लीट नहीं हो पा रही है। यहाँ पर दोस्तों 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला का मामला चल रहा है, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या 38,000 थी इस वैकेंसी में जो पास हुए थे, और दोस्तों आप देख सकते हैं बीएड अभ्यर्थियों की संख्या डबल थी। तो सिंपल सी बात है, जो ये हमारी वैकेंसी चल रही है बीपीएससी वाली प्राथमिक में, यहाँ पर भी डीएलएड छात्रों की संख्या कम ही रहेगी, बीएड छात्रों की ज्यादा, लेकिन बीएड को बाहर किया गया, उनका रिजल्ट भी जारी नहीं होगा। ये दोस्तों पासिंग मार्क समझ लीजिए जरा, जो बच्चे एससी और एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं 32%, मतलब दोस्तों आपका 38.4 नंबर बनता है। जनरल में दोस्तों बनेगा आपका 40%, ठीक है, इसका मतलब होता है 40% का 48 नंबर, ठीक है। नंबर के हिसाब से देख सकते हैं, परसेंटेज के हिसाब से देख सकते हैं। एक चीज हमने आपको क्लियर की थी कि देखिए जो भी दोस्तों हमारी सीटें भरती हैं, सबसे पहले अन रिजर्व सीटें भरती है, अनारक्षित सीटें पहले भरी जाती हैं, तो मतलब साफ है कि तकरीबन 32,000 सीटें पहले भरी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टोटल ये देखिए, अगर 75% सीटों पर सिलेक्शन इनको लेना है तो 80,000 का जो 75% लगभग निकलेगा वो कितना निकलेगा बताइए, वो निकलेगा आपका 60,000, ठीक है। 60,000 में दोस्तों क्या होगा, 32,000 बच्चे यूआर कैटेगरी से हो जाएंगे, बाकी लगभग 28,000 सीटें और बचेंगी वो आरक्षित वर्ग के रहेंगे। जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाएगी दोस्तों वो लास्ट वाली फाइनल राउंड की जाएगी, जिसमें आप लोग दोस्तों देखेंगे 38 नंबर पर भी बच्चे सिलेक्शन लेंगे, 35 नंबर तक भी सिलेक्शन जाएगा, लेकिन कुछ कैटेगरी में अगर कट ऑफ को कम किया जाता है, ठीक है ना। फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं कि आप लोग को 1 भी रुपये ब्रोकर को नहीं देना है, ठीक है, बच के रहिएगा, नहीं तो फिर अगर आप पकड़े गए तो बेमतलब का आपका पैसे का भी नुकसान होगा। अगर आपका नंबर ठीक ठाक आ रहा है तब तो और बेहतर है। जिन बच्चों को दोस्तों देखिए 60+ चल रहा है वो आपको बता दें, देखिए बिहार का कोई बच्चा अगर 50+ में, अगर आपके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र है और आप ईडब्ल्यूएस कोटा के अंतर्गत भी आते हैं तो दोस्तों आपके 99% श्योर है कि आपकी नौकरी लग के रहेगी, ठीक है ना। अगर दोस्तों आप लोग अदर स्टेट के छात्र हैं, अदर स्टेट वाले बच्चे, अगर दोस्तों आप लोग का 55+ चल रहा है तो आप भी 99% श्योर हो जाइए कि आपकी नौकरी लग सकती है। 32,000 सीटें भी दोस्तों कुछ होती हैं, बड़ी सीटें हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि भैया बड़ी वैकेंसी तालीमी, ठीक है, मरकज को अब 2 गुना मानदेय मिलेगा, विकास मित्र को दोस्तों 25,000 और शिक्षक सेवक तालीमी मरकज को 22,000 मानदेय मिलेगा। क्या अपडेट है दोस्तों, ठीक है, बड़ी खबर है ये, देख सकते हैं। शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को अभी प्रति माह 11,000 रुपये मिलता है, जिसे बढ़ाकर 22,000 रुपये कर दिया गया, और इसके अलावा ईपीएफ में दे अनिवार्य समानुपातिक अंशदान की वृद्धि के साथ ही 1 जुलाई से प्रतिवर्ष 5% की वार्षिक वृद्धि भी मिलेगी।
जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं सीधे सैलरी 25,000 तक पहुंची, डबल से भी ज्यादा कुछ लोग की सैलरी। ये है दोस्तों बिहार सरकार। अब यूपी की सरकार क्या निर्णय लेती है शिक्षा मित्रों पर, वो देखना बाकी होगा। एक हफ्ते में रिजल्ट जारी हो, ऐसे बच्चों का डिमांड है। शिक्षक भर्ती में कोई खेला ना देखे, इसलिए हम आपको रोज बताते हैं कि भैया कुछ ना कुछ बिहार में चल रहा है। इस वजह से कल अतुल सर को भी दोस्तों ट्वीट करके जानकारी देनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग। नहीं तो अतुल सर का ऐसे कोई पोस्ट ना आते इसको लेकर, लेकिन पोस्ट आया और न्यूज़पेपर के माध्यम से आज अपडेट भी आ गई है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। या बच्चों के अंदर एक डर बन गया कि सही में तो ऐसा नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम कह रहे हैं 100 में से अगर 210 कॉल भी अगर सही निकल गई तो क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, देखेंगे बाकी की और अपडेट, मिलेंगे एक और वीडियो में। फिलहाल वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट थी न्यूज़पेपर के माध्यम से, सैलरी डबल हो रही है और नई वैकेंसी आ रही है 6 से 8 के लिए, तैयार हो जाए। जहाँ पर डीएलएड बीएड छात्र फिर से एक बार आमने सामने होंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।